जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान और न्यूज 21 राजस्थान में आज फिर हम आपको आरटीओ का कारनामा दिखाएंगे। जी हाँ, कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि नागौर आरटीओ के एक इंस्पेक्टर भादू ने किस तरह से ट्रक वालों को प्रताड़ित करना शुरू किया था और बाड़मेर के एक बहादुर ड्राइवर ने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उसको सबक सिखाया और परिवहन विभाग ने उस भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित भी किया। ये सारा संभव हो पाया उस ड्राइवर के हौसले और इस मोबाइल की वजह से। यकीन मानिए, आपके मोबाइल के कैमरे में बड़ी ताकत है। आपने एक फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई 2। मुन्ना भाई MBBS के बाद उसकी जब दूसरी सीरीज आई उसके अंदर रेडियो जॉकी बने थे संजय दत्त और उनके पास तरह तरह की प्रॉब्लम लेकर लोगों ने फोन किया। एक रिटायर्ड अंकल ने जब उनको फोन करके ये बताया, एक भ्रष्ट अधिकारी उसकी पेंशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए वो घूस मांग रहा है, तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। तब संजय दत्त ने एक आइडिया सुझाया था कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी जो कुछ भी कर रहा है उसको दुनिया को दिखाओ, उसको शर्मिंदा करो, दुनिया को दिखाओ कि वो बुरा कर रहा है, उसे शर्मिंदा करो। और वो बुजुर्ग ऐसा ही करते हैं और तुरंत उनकी पेंशन चालू हो जाती है और ये हमारे सिस्टम में हूबहू लागू भी होता है। देखिए ना, बाड़मेर के बहादुर हमारे ड्राइवर ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और छोटे से वीडियो के माध्यम से उसे निलंबित करवा दिया, उसके बाद सभी ट्रक ड्राइवरों को उस पर गर्व हुआ। केवल ट्रक ड्राइवरों पर ही नहीं, वरन पूरे राजस्थान को उस पर गर्व हुआ कि उसने हिम्मत दिखाई। और ये केवल परिवहन विभाग और RTO पर ही लागू नहीं होता, हर विभाग को इस तरह से उजागर किया जा सकता है। और आज हम फिर बात करेंगे राजस्थान RTO की ही इसी तरह की नीतियों की। अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, वो वीडियो भी किसी ट्रक ड्राइवर ने अपने कैमरे से शूट किया है। वो पूरा घटनाक्रम, वो पूरा वायरल वीडियो आप देखिएगा। उस वायरल वीडियो को देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला, कहां का मामला है और किस तरह से ये घटनाक्रम घटा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो। ये वायरल वीडियो राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर टोल नाके का है। इस वीडियो में देखिए, जिस ट्रक ड्राइवर ने इसे शूट किया है वह बड़े कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ ट्रक से उतरता है और RTO की गाड़ी के पास जमा भीड़ में मादरा समझने जाता है। यहाँ सड़क पर एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, साइन बोर्ड पर लिखा है NH8। इससे यहाँ की लोकेशन जालौर सांचौर होना पता चलती है। ट्रक ड्राइवर भीड़ से पूछता है कि मामला क्या है, तो पता चलता है कि यह शराब के नशे में ड्यूटी कर ड्राइवरों को परेशान कर रहा है। तभी ये ड्राइवर इसे बाहर लाकर सबक सिखाने को कहता है। इस ड्राइवर में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? दरअसल कुछ ही दिनों पहले नागौर में हुई घटना में जिस तरह से एक ड्राइवर ने बहादुरी से RTO का सामना किया, उससे सबक लेते हुए सभी ड्राइवरों में इस बार कॉन्फिडेंस है। सभी मिलकर तय करते हैं कि इसे बाहर निकालकर सबक सिखाया जाएगा। जैसे ही बाहर निकालने के प्रयास होते हैं और इसे
बाहर निकाला जाता है तो पहला कदम बाहर रखते ही ये कर्मचारी चालान कटने वाली स्पीड से तेजी से भाग खड़ा होता है। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से तेजी से भाग रहा है। पिछले वायरल वीडियो में हमने देखा था कि इंस्पेक्टर ड्राइवर के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब की बार तो बाजी ही पलट गई। अब कर्मचारी आगे भाग रहा है और ड्राइवर उसके पीछे। जी हाँ, पिछली वीडियो से प्रेरित होकर ड्राइवरों ने ये तय किया कि यदि वो गलत नहीं हैं, तो वो उनका जमकर विरोध कर सकते हैं। यहाँ प्रयुक्त गाड़ी के नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार के अधीन ये वाहन, इसमें बैठकर शराबी कर्मचारी यहाँ खड़े ड्राइवरों को परेशान कर रहा था। ये सब वापस उलटफेर इसीलिए हो पाया कि हमने उस घटना को जमकर शेयर किया, सभी जगह प्रसारित किया और मीडिया तक पहुंचाया। अगर हम गलत नहीं हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखा आपने कैमरे की ताकत और ड्राइवरों के हौसले की ताकत। ड्राइवरों ने हौसला दिखाया, विरोध किया, वो आरटीओ का कर्मचारी भाग खड़ा हुआ और मेरे ख्याल से आइंदा वो कभी इस तरह की हरकत नहीं दोहराएगा। तो सिस्टम को सुधारने के लिए अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप भी उसे सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार हर दम आप साथ लेकर घूमते हैं, आपका मोबाइल। कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं होती दिखें, आपके सामने कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो मोबाइल निकालिए, उसे शूट कर दीजिए। और एक मीडिया कर्मी के नाते मैं आपको सलाह भी दूंगा कि आडे मोबाइल से अगर आप शूटिंग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। विषम परिस्थितियों में मोबाइल कैसा भी हो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो आप उसको आडे मोबाइल से ज़रूर शूट करें। शूट करने के बाद उसे फैला दीजिए, जहाँ जिस माध्यम से हो सकता है आप उसे फैलाइए। और यदि आप चाहते हैं कि मीडिया आपका साथ दे तो मीडिया बराबर आपका साथ देगा। आप हमें भी वो वीडियो भिजवा सकते हैं, इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम इसी तरह की स्पष्ट, पारदर्शी और विश्वसनीय पत्रकारिता करती रहेगी। आप भी News21 राजस्थान को ये भरोसा दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। हमारा साथ देने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 7:30 बजे आपसे मुलाकात होती है नागौर हेडलाइंस में। अगर आप नागौर जिले से संबंधित हैं तो हम हर रोज सुबह इस चैनल पर नागौर हेडलाइंस के माध्यम से नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खास खबरें और साथ ही साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके बीच में रोज हाजिर होते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी प्रस्तुति में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।